एयरटेल जियो और वोडाफोन आइडिया ने जुलाई में अपने रिचार्ज प्लान्स महंगे कर दिए थे। इसके बाद से लाखों यूजर्स ने सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल की तरफ रुख कर लिया। हालांकि अब प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां यूजर्स को गुड न्यूज देने की तैयारी में हैं। सामने आ रही रिपोर्ट के मुताबिक निजी टेलीकॉम कंपनियों ने इसके लिए सरकार से गुजारिश की है। अगर निजी टेलीकॉम कंपनियों की डिमांड पूरी हो जाती है तो रिचार्ज प्लान दोबारा से सस्ते होने की संभावना बन सकती है। सीओएआ यानी कि सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से सरकार से लाइसेंस फीस को कम करने की मांग रखी गई है। टेलीकॉम कंपनियों को रिप्रेजेंट करने वाली संस्था ने सरकार से लाइसेंस फीस में 0.5% से 1% तक कटौती रखने की मांग रखी है। टेलीकॉम ऑपरेटर्स का कहना है कि लाइसेंस फीस कम होने पर नेटवर्क का अपग्रेडेशन और एक्सपेंशन आसान हो सकता है। सीओएआई ने बताया कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स डिजिटल नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए लगातार काम कर रही है। अभी टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से कुल 8% लाइसेंस फीस दिया जाता है, जिसमें 5% नेटवर्क ऑब्लिगेशन चार्ज होता है। टेलीकॉम ऑपरेटर्स का कहना था कि पहले जब लाइसेंस फीस को स्पेक्ट्रम के साथ जोड़ा गया था तो इसके लिए फीस लेना उचित था, लेकिन 2012 में इसे स्पेक्ट्रम से अलग कर दिया गया। अब स्पेक्ट्रम को पारदर्शी और खुली प्रक्रिया नीलामी की तरह से आवंटित किया जा रहा है। सीओएआई के महानिर्देशक एसपी कोचर ने कहा कि स्पेक्ट्रम को लाइसेंस से अलग करने और उसे बाजार मूल्य पर आवंटित करने के बाद लाइसेंस फीस लगाने का औचित्य बहुत पहले खत्म हो गया था। लाइसेंस फीस को रेवेन्यू का 0.5% से 1% तक लेना चाहिए, जबकि टेलीकॉम कंपनियां 8% तक लाइसेंस फीस दे रही हैं। टेलीकॉम ऑपरेटर्स का कहना है कि अगर सरकार और दूरसंचार नियामक इस मांग को मान लेते हैं तो इंडस्ट्री को लाभ मिल सकता है और रिचार्ज प्लान फिर से सस्ते होने की संभावना है। बहरहाल अगर सीओएआई की यह मांग मान ली जाती है तो आने वाले समय में हम फिर से दोबारा सस्ते रिचार्ज प्लान का उपयोग कर पाएंगे। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।